गाइस रियलमी V15 जो है वो इस 2021 का एक फ्लेक्सी बजटेड स्मार्टफोन होगा। ऑलरेडी काफ़ी सारे यूज़र इस स्मार्टफोन के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि हाल ही के अंदर चाइना के अंदर ये जो स्मार्टफोन ये रिलीज़ हो चुका है और इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन के अंदर इस स्मार्टफोन की V15 स्मार्टफोन की जो मॉडल नंबर है वो लिस्ट की गई है। तो कहीं ना कहीं बहुत जल्द V15 स्मार्टफोन जो है वो हमें इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा। बट भैया काफ़ी सारे ऐसे लीक्स और रिमर्स आ रहे हैं कि V15 स्मार्टफोन जो है वो हमें इंडिया के अंदर रीब्रांडेड करके देखने को मिलेगा, मे बी रियलमी 8 के नेम से। और कुछ ऐसे लीक्स और रिमर्स आ रहे हैं कि नहीं, V15 के ही नेम से ये जो स्मार्टफोन है ये हमें इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हो रखा है। बट भैया मैं आपको बता दूँ कि ये जो स्मार्टफोन ये इंडिया के अंदर किसी भी नेम के साथ रिलीज़ हो, चाहे वो रियलमी 8 के नेम से हो या फिर रियलमी V15 के ही नेम से हो, लेकिन भैया वहाँ पे जो हमें फ़ीचर और जो स्पेसिफिकेशन मिलेंगे वो तो यही सेम मिलेगी। तो और हमें क्या मतलब, फ़ीचर स्पेसिफिकेशन सेम हो रहे, चाहे ये स्मार्टफोन किसी भी सीरीज के अंदर रिलीज़ हो, रियलमी 8 के नेम से हो या फिर रियलमी V15 के नेम से हो, लेकिन जो फ़ीचर और जो स्पेसिफिकेशन होंगे वो हमें यही सेम देखने को मिलेंगे। सो गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं रियलमी V15 के कुछ कन्फर्म स्पेसिफिकेशन के बारे में, जो कि हमें इंडिया के रियलमी V15 या फिर रियलमी 8 के नेम से देखने को मिलेगा, उस स्मार्टफोन के ऊपर मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपने अगर अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो या फिर आगे पसंद आएगी तो प्लीज़ सर इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर देना। काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है भाई वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ सर एक छोटा सा लाइक कर देना और हो सके तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और चलिए अपने वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। सो बात करें यहाँ पे सबसे पहले इस स्मार्टफोन की फ्रंट साइड डिस्प्ले की, तो फ्रंट पे हमें 6.4 इंचेस का एक AMOLED डिस्प्ले पैनल देखने को मिला है। इसके अलावा फुल HD+ की रेजोल्यूशन यहाँ पे देखने को मिली है एंड 120 हर्ट्ज की अल्ट्रा टच सैम्पलिंग रेट का भी सपोर्ट दिया गया है। इसके अलावा अगर बात करें भैया बैक रियर कैमरे सेटअप की, तो बैक पे हमें इस बार ट्रिपल कैमरे का ही सेटअप देखने को मिला है, जिसका मेन सेंसर 64 MP होगा, 8 MP अल्ट्रा वाइड एंगल एंड 2 MP मैक्रो सेंसर। इसके अलावा जो 2 MP की डेप्थ सेंसर होती है, जो कि कोई काम की नहीं होती है, उसे इस बार यहाँ पे रिमूव कर दिया गया। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे फ्रंट साइड सेल्फी की, तो फ्रंट पे हमें 16 MP की वही पंचोल कोडाट के साथ ही सेल्फी का सपोर्ट दिया गया है। बात करें भैया यहाँ पे स्मार्टफोन की मेन पावर एमिन चिपसेट की, तो यहाँ पे हमें मीडियाटेक की तरफ से डायमेंसिटी 800U की जो 5G चिपसेट है वो यहाँ पे देखने को मिली है, जो कि 7nm के आर्किटेक्चर पे क्लॉक्ड है। तो भैया यहाँ पे हायर रेजोल्यूशन वाले गेम भी प्ले कर सकते हो, नो एनी डाउट्स। इसके अलावा इस चिपसेट की परफॉर्मेंस लाइक एंटूटू बेंचमार्क स्कोर, CPU स्कोर एंड देन GPU स्कोर्स, तो उन सभी परफॉर्मेंस के स्कोर्स मैं आपको स्क्रीन के ऊपर डायरेक्टली शो ऑफ करा देता हूँ। इसके बाद बात करें भैया इस स्मार्टफोन की बैटरी इमेज की, तो यहाँ पर हमें 4310 इमेज की बैटरी का सपोर्ट दिया गया है और इसे चार्ज करने के लिए हमें विद बॉक्स 50W की फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट दिया जाएगा, जो कि हमें टाइप सी पोर्ट के ही साथ देखने को मिलेगी। इसके अलावा एक चीज़ यहाँ पे मेरे को डिसअपॉइंटेड लगी, यहाँ पे 3.5mm के जो जैक होगी हेडफोन जैक, वो हमें इस बार इस स्मार्टफोन के ऊपर नहीं मिलेंगे। हमें टाइप सी पोर्ट के ही साथ हेडफोन को यूज करना होगा या फिर ब्लूटूथ एयरफोन वगैरह यूज करना होगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा यहाँ पे सभी सेंसर्स अवेलेबल है, जो कि मैं आपको स्क्रीन के ऊपर शो ऑफ करा देता हूँ। इसके बाद हमें डुअल नैनो 5G सिम का भी सपोर्ट दिया गया है, एक साथ आप लोग दो 5G सिम को यूज कर सकते हो। इसके अलावा ये जो स्मार्टफोन ये हमें 8 128GB रैम के साथ देखने को मिलेगा, शायद इसे लोअर वेरिएंट भी आपको देखने को मिले या फिर इससे हायर वेरिएंट भी आपको देखने को मिले। अब जो भी होगा इंडिया के अंदर लॉन्च होगा तभी कन्फर्म मैं आपको बता सकता हूँ। अब बात करें भैया इस स्मार्टफोन की इंडियन प्राइस एंड लॉन्च डेट की, तो मैं आपको बता दूं इन दोनों के रिगार्डिंग अभी तक कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है, बट मैं आपको एक्सपेक्टेड के थ्रू अपनी तरफ से बता देता हूं आपको क्या लगता है, उसके बाद आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। तो यहाँ पर इस स्मार्टफोन की इंडियन प्राइस जो हो सकती है वो मेरे ख्याल से 15 से 17 हज़ार के अंदर ये जो स्मार्टफोन है इसकी प्राइस हमें इंडिया के अंदर देखने को मिल सकती है। अब तो ये रहा प्राइस, अब भैया ये जो स्मार्टफोन ये इंडिया के अंदर कब तक लॉन्च हो सकता है, तो मेरे ख्याल से जैसे कि इस जनवरी के एंड तक 28 जनवरी को रियलमी 8 7 एंड 8 7 प्रो की लॉन्च डेट हो सकती है। अब शायद उसके बाद एक महीने के बाद हमें फरवरी एंड तक या फिर मार्च के फर्स्ट स्टार्टिंग तक हमें रियलमी V15 या फिर जो भी नेम के साथ इंडिया के अंदर रिलीज़ किया जाए ये हमें इंडिया के अंदर देखने को मिल सकता है। फिलहाल आपको क्या लगता है इसके रिगार्डिंग आप लोग मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन कोई भी नहीं आई है इसके रिगार्डिंग, जब भी कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आएगी इस स्मार्टफोन की रिगार्डिंग तो मैं आपको सबसे पहले वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म कर दूंगा। तो वेरी गाइस आपको ये वीडियो एंड इस स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन कैसी लगी इसके रिगार्डिंग आप लोग जरूर से अपने भाई को कमेंट करके बता सकते हो एंड अपना ओपिनियन इस स्मार्टफोन की रिगार्डिंग क्या है वो भी मेरे को कमेंट के थ्रू जरूर से बता सकते हो। फिलहाल तब तक के लिए चलता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।